आज मैं जो लेके आया हूँ यहाँ स्कूल पर हूँ इस समय, तो मेरे सामने जो थालियाँ रखा गया है तो इस पर अभी 35 थालियाँ हैं, जो इसे हमारी भाषा में कहते हैं गोरखाली भाषा में कहते हैं आशिक। जो आशिक जो है वो अपने हर घर से, हर आदमी के घर से एक एक थालियाँ निकलते हैं और एक दिया के साथ, तो उस पर कुछ पैसे भी होते हैं, चावल होते हैं, जिस प्रकार के होते हैं, मतलब जैसे कि कोई दारू देते हैं तो कोई बियर वगैरह, ऐसा कुछ कुछ सामान जो रखा हुआ होता है जो अपने घरों से लेके आते हैं इन लोग। तो ये आपके जैसे देवसी शुरू होने के बाद देवसी जब ख़त्म होते हैं तब तो ये रहता है, जब जैसे उसकी यहाँ एक लास्ट एंडिंग में जो होता है आशिक, तो उसमें जब आशीर्वाद देने के लिए जो बाड़ी आती है वो आशीर्वाद देने के जैसे ख़त्म होते हैं उसके बाद ही ये थालियाँ उठाया जाता है। बने रहे इंदिरा LP स्कूल, इंदिरा स्कूल पे LP स्कूल पे आया हूँ इस समय, तो ये आपका कुना पत्थर ही एरिया है भाई जी, जी। तो चलते हैं फिर देवसी किस तरह से होते हैं वही देखेंगे और क्या कहते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का गोरखा का बहुत ही बड़ा उत्सव है, त्यौहार, तो हम लोग इसमें हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग दिल से एकदम खुशी मनाते हैं। तो आइए सब लोग, आप निमंत्रण दे दीजिए, मैं मेरी तरफ से आपको सभी को निमंत्रण देना चाहता हूँ, आइए इस खुशी में शामिल होइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। ठीक है, ब्लॉक के साथ देवसी खेलने के समय यहाँ पर जो खेल होते हैं उससे खेल के अनुसार यहाँ होते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ जो यहाँ थालियाँ रखा गया है देख सकते हैं, यहाँ पर ये आशिक है तो यहाँ आशिक दिया जा रहा है, इसी तरह यहाँ से देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर सर्कल से बैठा हुआ है। तो अब मैं यहाँ से थालियाँ गिनती करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 and 35। भाई कल से तो आज 3 कम है, आज तो 35 है, कल तो 38 था, तो दिखा रहा हूँ आज जो प्रोग्राम होने वाले हैं, बने रहिए जेके ब्लॉक के साथ। बाकी जैसे कि जो प्रोग्राम होते हैं, नमस्ते नमस्ते, जो प्रोग्राम है मैं पूरे आया है तो पूरी प्रोग्राम को मैं दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ लेडीज इस समय राउंड कर चुके हैं, तो तपाईँहरू के नाच्नुकोलाई तयारी हुनुभएको? अच्छा लो, तपाईँहरू नाच्दै गर्नुहोस्, म हेर्दै गर्छु। देउसी सुरु हो चुका है, मेरे आगे एक माँ जी है जो देख सकते हैं इस उम्र में भी इस समय रात के 9:20 को यहाँ देउसी खेल रहे हैं, तो यहाँ देखिए लाठी लेकर चल रहे हैं फिर भी देउसी के लिए यहाँ पर, तो यहाँ देउसी के लिए यहाँ राउंड हो चुका है और अब यहाँ देउसी खेल रहे हैं, अब चालू है देउसी। यहाँ कितनी बड़ी लंबी लाइन है भाई यहाँ पर देवसी के लिए, यहाँ जैसे अब लेडीज खत्म हो रहा है भाई, अब जेंट्स की बारी है, अब यहाँ से जेंट्स शुरू होने वाला है, तो ये रही जेंट्स की लाइन जो शुरू हो चुका है। आप अब यहाँ जेंट्स की लाइन शुरू हो चुका है, जैसे जेंट्स खत्म हो गया तो दोबारा फिर लेडीज आप पहुंचे हैं यहाँ पर, ए आयो Yes, sir. 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 Yes, sir.
अब हमारे सामने मेन हीरो आ रहे हैं मिस्टर गोविंद जी और उनके आगे प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं। वो तो पार वाली सर्किल थी, अब इससे यहाँ नन्हे नन्हे बच्चे जो है वहाँ अंदर की ओर सर्किल है भाई। यहाँ देख सकते हैं यहाँ छोटे बच्चे नन्हे यहाँ सर्किल पर है और यहाँ चारों तरफ दिया जला हुआ है। तो दिया जो है ये है आपके हर घरों से आया हुआ दिया है और साथ में आप लोग पैसा जो दे सकते हैं उस तरह से दिया गया है यहाँ पर। तो सामने में देख सकते हैं नन्हे नन्हे बच्चे भी आ चुका है इस समय। बच्चे को देखिए प्यारा सा है ड्रेस में, ये गोरखाली पोशाक में है भाई। देख सकते हैं भाई यहाँ बहुत बड़े सर्कल बना हुआ है, बहुत बड़े बहुत बड़ा भाई ये सर्कल तो बहुत बड़ा है। इस समय यहाँ देवसी की जो आशिकी होती है वो दे रहे हैं भाई यहाँ पर। तो इस समय ये देवसी की जो आशिकी होती है वो लास्ट है। तो यहाँ आशिक हो चुका है इस समय भाई, अभी तो आशिक हो चुका है। अब यहाँ फिर डांस प्रोग्राम की
कार्यक्रम शुरू होगा। পোনপ্রথমে গোর্খা জনগোষ্ঠীর মহান উৎসব তিহার, এই তিহারের সকল অসমবাসীল আন্তরিক শুভেচ্ছা বিকাশ বিজ্ঞাপন করেছো। আজি সদ অসম গোর্খা ছাত্র সন্থার উদ্যোগত বিভিন্ন এই বডুমচা অঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চলত আমি আমার দেউচি হুঁচৰি আমি গাই আছো। আমার গোর্খা জনজাতি সকলের যে কলা সংস্কৃতি জীবিত রাখবলে আমি সদ অসম গোর্খা ছাত্র সন্থায় এই প্রচেষ্টা চলাই আছে। আশা করো আমার এই প্রচেষ্টাত আমার জাতির যে কলা সংস্কৃতি যাতে বিশ্ব দরবার প্রতিষ্ঠা পায় সেই আশা সকলরে মানে আশা করছো। আর আজি আমি 2 নং কনাইপথর ইন্দিরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ত এই অঞ্চলের এই স্থানত বিভিন্ন আমার এই অঞ্চল গাঁর গাঁওবাসী সকলে আমার এই স্থানতে তখেলোকর দান দক্ষিণা প্রদান করেছে। গতি সকলে আমি সদ অসম গোর্খা ছাত্র সন্থা হয়ে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর আগন্তুক যে 2022 বর্ষ আমার তিহার বিদায় সমারোহ লগতে সদ অসম গোর্খা ছাত্র সন্থার দ্বিবার্ষিক অধিবেশন আহা 16-17 তারিখে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবলগ আছে। গতি আশা করো এই অঞ্চল তথা এই অঞ্চলের বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকল এই আমার কার্যসূচীত সফল করবলে মই আহ্বান জানাইছো। ধন্যবাদ। सेव रोटी और तिल की चटनी के साथ मटर ये खा रहा हूँ, तो ये देवसी की आखिरी है। तो अब मैं यहाँ सेव रोटी के साथ तिल की चटनी खा रहा हूँ।